إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار متفق عليه अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का खालिक व मालिक है। उस मालिकुल मुल्क ने हम पर बड़े एहसानात इनामात अपना फ़ज़ल और रहमतें फरमाई हैं और इस कदर हम पर अपनी नेमतें बरसाई हैं जिनके बारे में ज़ुल जलाल रब्बे कायनात फरमाते हैं इन तअउदु निअमतल्लाहि ला तुहसुहा। दुनिया जहान के लोगों सुनो एक बात, अल्लाह फरमा रहे अगर तुम अल्लाह की नेमतों को अपने रब की ब्लेसिंग्स और रहमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, उनकी काउंटिंग करना चाहो, ला तुहसुहा, तुम शुमार नहीं कर सकते कि तुम्हारे रब की तुम पर कितनी मेहरबानियाँ हैं और उसी रब्बुल इज़्ज़त का हम पर एहसान अज़ीम ये भी है कि हमें इमाम कायनात इमाम अअज़म क़ायद अअज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और इस आखिरी उम्मत में पैदा फरमाना भी अल्लाह का ही करम और फ़ज़ल है। हम वो उम्मत हैं जिनको कुरान कहते हैं कुन तुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। किस वजह से? तअमुरूना बिल मअरूफ, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो, मुनकरीन से जो मनहियात हैं, लगवियात हैं, माशरे के अंदर वायरसेस हैं, गुमराहियाँ हैं, तुम इनसे लोगों को रोकते हो और रब रहमान का रास्ता दिखाते हो। इसलिए हम बेहतरीन उम्मत हैं, ये भी अकेले रब का ही फ़ज़ल और इनाम है। माशरे के अंदर आजकल बड़ी बुराइयाँ आम हो चुकी हैं, जिस तरह कोई वायरस और वबा वायरल हो जाता है, फैल जाता है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे, इसी तरह माशरती बुराइयाँ एक माशरे से दूसरे माशरे में, एक बस्ती से दूसरी बस्ती में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, इसी तरह एक आलम इस्लाम है, एक आलम कुफर है और एक आलम इल्हाद है। किसी तरफ कादियानियत का फितना है और एक तरफ इल्हाद का फितना है। इस पुरफितन दौर में कामयाब बंदा कौन है? मैं उस कामयाब बंदे की निशानी बताने आपको आएगा। अल्लाह से दुआ कीजिए हम जो बयान करें कुरान और हदीस के मुताबिक, शरई उलूम जिस तरह हम सीखते हैं उसी तरह हमें सिखाने के पाबंद होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सूरह अहज़ाब में, अल्लाह का जो हुक्म हो उस पर मुकम्मल मुतवज्जे होना चाहिए। अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु फरमाया, सारे ईमान वाले इकट्ठे हो जाएं, अहले हदीस अलग ना रहे, अहले सुन्नत अलग ना रहे, देवबंदी अलग ना रहे, बरेलवी फितना अलग ना रहे, सारे मिलके रब की बात पर गौर कीजिए। अल्लाह का हुक्म क्या है? शीगाए अमर इत्तकुल्लाह, तुम सारे अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह के खौफ अपने दिल में पैदा करो, तक़वा इख्तियार करो, परहेज़गारी करो। इसके लिए इनामात भी आगे बयान किए थे कि तुम अल्लाह के परहेजगार बन जाओगे और कूलू कौलन सदीदा, कूलू भी अल्लाह का अमर है, हुक्म है, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म दे दे उसको करना हमारे लिए फ़र्ज है, वाजिब है, वही शरीयत है। तुमने कभी झूठ नहीं बोलना, कूलू कौलन सदीदा, बात सीधी करो, सच्ची करो, वासे करो, जब बात करनी खरी बात करनी।
तो इसका इनाम है जिंदगी में जितने गुनाह होंगे अल्लाह सब माफ कर देंगे। अल्लाह गफूर भी है, अल्लाह गाफिर भी है, वो मालिक गफार भी है, माफ करने वाला, बार बार माफ करने वाला, वो तो हमेशा माफ करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने आगे कामयाब बंदे की सिफत और निशानी बयान की है, जो मैं चंद अल्फाज में बयान करना चाहता हूँ। फरमाया, जो अल्लाह की इताअत करता है और उसके रसूल के रास्ते पर चलता है, दो चीजें जिस तरह रब ने दो हाथ दिए, एक हाथ में कुरान को थाम ले, दूसरे हाथ से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को थाम ले, इन दो चीजों को सीने से लगा ले, दुनिया की कोई ताकत इसे गुमराह नहीं कर सकती। फरमाया, तो जो इन दो चीजों पर अमल पैरा होता है, इनकी इताअत और पैरवी करता है, बड़ी कामयाबी को उसने पा लिया है। और कामयाब बंदा कौन है? मालिक का कुरान सुनिए, जो जहन्नम की आग से बचा लिया गया, वउदखिला जन्नत, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब है। कामयाबी ये नहीं कि बहुत ही आलीशान कोठी बंगला बना लिया, कामयाबी ये नहीं कि नई गाड़ी खरीद ली, कामयाबी ये नहीं लोगों में अपनी चुदराहट बना ली, कामयाबी ये नहीं लोगों में अपनी शान शौकत और झूठी शोहरत के नारे लगवा लिए। कामयाबी क्या है? जो रब का कुरान बता रहा है, जहन्नम से जो बचा लिया गया। आपको मालूम है कितनी दहकती हुई आग, दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती, हमारी चमड़ी जहन्नम की आग की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें ऐसे आमाल सालेह करने की तौफीक दे कि हम जन्नती बन जाए, अल्लाह हमें अपना महबूब बना ले। तो फरमाया, जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही कामयाब है। मुआशरे की बुराइयों में से एक बुराई बताना चाहता हूँ ताकि उसकी इस्लाह हो जाए, मुझ में और आप में वो बीमारी, वो वायरस और वो वबा जो एक रूहानी वबा है, एक तरबियती वबा है, उससे हम छुटकारा पा सकें और रब की जन्नतों के मेहमान बन सकें। आपने देखा होगा कई लोग जानते हुए भी, दानिस्ता तौर पे भी, शऊरी तौर पे भी, मर्द के लिए क्या हुक्म है जी? अपनी शलवार, अपनी पैंट, अपना पजामा, अपनी चादर, अपनी धोती, अपनी इजहार, वो जो देवतन करता है लिबास, अपने से ऊपर रहे। ये मर्द के लिए खास हुक्म है। मैं ये मौजू इसलिए लेके आया हूँ कि बयान नहीं किया जाता, कोई मौलवी आज का आलिम ये बयान नहीं करेगा, इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला मरहमी बाप में। ये ऐसी बुराई है, इसको बुराई समझा नहीं जाता। हमारे नौजवान तबका, बच्चों में, बूढ़ों में पता भी है, इस्लाम का हुक्म है कि मर्द की शलवार, मर्द की चादर, उसने जो भी पहना वो टखने से ऊपर रहे, क्योंकि वईद आ रही है। मैंने सही बुखारी की हदीस पढ़ी है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा असफल मिन अलकअबैन, इज़ार का, चादर का, शलवार, पैंट, पजामा जो पहना है, इसका जितना भी हिस्सा टखनों से, ये कितने हिस्से आप कहते हैं, टखनों से नीचे हो गया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फफिन नार, जितना हिस्सा नीचे होगा टखनों से, सारा का सारा जहन्नम की आग का हिस्सा। इतनी सख्त वईद है। आज के उलमा बयान नहीं करते, आज के तुलबा जो दीन पढ़ते हैं आगे बताते नहीं हैं, हालांकि ये बहुत बड़ी बुराई है, बहुत बड़ा वायरस है। मैं इसलिए नहीं डरा रहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नज़ीर बना के भेजा, डराने वाला बनाकर भेजा। आज तो मिंबर और मेहराब बस जुगतों के लिए रह गए, बस कवालियों के लिए, गवैये की तरह से लोग आते हैं और सुना जाते हैं। मिंबर कौन सा जी? अहले हदीस का ये जिम्मेदार है, ये मिंबर पर बैठने वाला भी जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है अपने बयान करने पर। दलाइल का मैं जिम्मेदार हूँ। अबू दर गफारी कहिए रज़ी अल्लाह अन्हु, बूढ़े सहाबी, बड़े जलील कदर मुत्तकी सहाबी, मैं इनकी सीरत बयान करूँ, इशा तो क्या सुबह फजर हो जाए, इतने बुजुर्ग सहाबी हैं और बाअमल सहाबी, जलील कदर सहाबी। अबू दर गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, और एक मरतबा मुसीबत, सुनिए ध्यान से सुनिए,
तवज्जो कीजिए मेरे और आपके आका इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहला बंदा अल मुस्बिलुल इज़ार, अपनी शलवार को अपनी चादर को टखनों से नीचे गिराने वाला, लटकाने वाला, मुसलमान कहलाने वाला है, मर्द है, और अपनी चादर शलवार को टखनों से नीचे छोड़ देता है, उठाता नहीं है। ये पहला बंदा अल मुस्बिलुल इज़ार कि जो अपनी चादर को नीचे लटकाता है। दूसरा बंदा अल मन्नान, एहसान करके जुटाने वाला, किसी से नेकी की बाद उसको बेटा हाँ भाई तेरी बारी थे, मैं तेरे नाल इतनी वफा की थी, तू किस तरह मेरा जुफा कर रहे, इस तरह के ताने, तेरे साथ तो मैं बड़ा कंप्रोमाइज करता था, बड़ा समझौता करता था, और तू फिर गया। किसी के साथ नेकी करो तो अल्लाह के लिए करो, आने वाले वक्त के लिए नहीं। मौत का क्या पता, मुझे क्या इल्म मुझे बाहर जाना भी नसीब है या नहीं, मैं तो मेहमान हूँ, मुझे क्या इल्म मैंने जाके क्लास पढ़ानी है ना करे कि मैं जा भी सकूँ या नहीं। इंसान का ईमान इस तरह हो अल्लाह पर हमेशा रब का जिक्र करता रहे। दूसरा अल मन्नान, एहसान किया है, नेकी की है, बाद में झुकलाता है, और तेरे साथ मैंने कितनी नेकियां की, भलाइयां की, तेरा मेरा तुझ पर इतना बड़ा एहसान, तू भूल गया मुझे, ये कहना कुफर या कलमा है। और मन्नान अल्लाह की सिफत, हम नाम रखते हैं अब्दुल मन्नान, मन्नान का बंदा, मन्नान अकेला रब है, एहसान जुटाने वाला अकेला मालिक है, उसकी सिफत है मन्नान, वो एहसान करे जुटवाए, उसने बहुत बड़ा हम पर एहसान किया है। सुनाऊं आपको कुरान मजीद से, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इर्बअथ फीहिम रसूला, अल्लाह फरमाते हैं तहकीक मैंने मोमिनों पर एहसान इनाम किया, यानी अल्लाह ने इनाम किया, फिर जिक्र किया, जुतलाया, कितना बड़ा इनाम है, इज़बअथ फीहिम रसूला, मैंने इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका नबी बना दिया है। और नबी भी कौन सा, खातमुन नबीयीन, जिनके बाद कोई नबी नहीं, जिनकी शरीयत आखिरी, उम्मत आखिरी। तो बाद में हदीस कर रहा था, हदीस के अबू दर्र गफ्फारी रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके पूछने पर हमारे आका फरमाते हैं कि तीसरा पद नसीब वो है जिसको अल्लाह ताला की कलाम की नसीब नहीं, बसारत की नसीब नहीं, उसको रब गुनाहों से भी आज़ाद नहीं करेगा, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। तीसरा बंदा है अल-मुनफ़िकु सिलअतहु बिल-हलफिल काज़िब, आपके अंदर ताजिर लोग दुकानदार भी होंगे, वो भी सुने, वैसे भी हदीस सुने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तीसरा बंदा वो जो अपने माल को, अपने सामान तजारत को झूठी कसम उठाकर बेचते हैं। कोई कपड़ा लेने आके, कपड़े का बहुत बड़ा ताजिर है, लो जी आपके लिए ये रेट है, बाकी बाजार से तो मैं इतने का लेके आया हूँ, सिर्फ थोड़े वास्ते इन्हें ना दे रहे हैं, माल अच्छा है, हालांकि झूठी कसम लौट के उठाता है। ऐसा ताजिर आप देखे होंगे, फलों की रेड़ियों वाले कम है, कम करते हैं कोई, अल्लाह पर बहतान और झूठ बांधते हैं, ये भी कुफरिया करना है अल्लाह की कसम, और झूठे तरस पर उठाना बहुत बड़ा कुफर है, अल्लाह हमें इससे बचाए। बात मैं ये करने आया हूँ, माशरे में इस वक्त बहुत बड़ी बुराई है, आप सब खुश नसीब हैं जो सुन रहे हैं, शायद किसी ने हदीस में सुनी हो, मैं फिर सुना दूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, हुक्म हुक्म नबी इस्लाम का हमारे लिए हुज्जत है, दलील है, फर्ज है, वाजिब है, प्यारे नबी हुक्म दे और उम्मत ही ना माने, ये तो सरासर कुफर है, ये तो सरासर बगावत है। अल्लाह के रसूल ने सहाबी को देखा, उसकी शलवार, उसकी चादर, उसका जो नीचे उसने इजार जेब तक किया वो टखनों से नीचे लटका है। प्यारे रसूल फरमाते हैं इरफा इजारक, अपने इजार को उठा, अपने चादर को उठा, कहाँ तक, इला निसफ सा, ये पूरी पिंडली है, इसकी आधी पिंडली तक उठाना मुस्तहब है। मर्द की, मुसलमान मर्द मोमिन की आधी पिंडली, निसफ पिंडली वो नंगी रहे, उसको कपड़ा ना छुए, उसे ऊपर रहे, ये मुस्तहब है, पसंदीदा अमल है। फाइन अबैता, ए मेरे सहाबी, अगर तुम इसके इनकारी हो, अगर तुम इसमें आर न समझो, कि लोग ऐसे कहते हैं केड़ा पानी खड़ा से रात आगे तो उतर करी फिर, ये बहुत बड़ा कुफिया करना है भाई, ये हदीस के खिलाफ जा रहा है। फाइन अबैता, अगर तुम्हें ना पसंदीदगी हो, फाइन अल काबैन, तो कम अज कम टखनों तक जरूर हो, टखनों से नीचे ना जाए। बहुत बड़ी वईद मैंने आपको बता दी है, मुहद्दिसीन के नाम कहते हैं जो हदीस लिखने वाले मुहद्दिसीन कहते हैं, जिस हदीस में किसी गुनाह के बारे में एक नहीं दो वईदें इकट्ठी आ जाए,
दो अल्लाह की अजाबों का तज़किरा हो जाए वो कबीरा गुनाह बन जाता है। बताओ ये जो कसरों से शलवार नीचे लटकाना कबीरा गुनाह है कि नहीं? बोलो जी, कबीरा गुनाह है। कोई बयान करे ना करे आपको मालूम है, आप ऐसे कुछ उठे बाहर जाकर बताते फर्द किफाना हो जाए। कुछ ने सीख लिया, दूसरों को सिखा दी, सिखाने वाली बात कोई नहीं। लेकिन इस मिंबर और मेहराब पर इस चीज का बड़ा फुकदान है कि ऐसी बीमारियां बयान नहीं की जाती, बस लोगों को आकर हंसा दिया जाता है, ठट्ठे और जुगते लगा दी जाती है और मौलवी का नारा वाह वाह लग जाता है, मौलवी अपनी जेब गर्म करके निकल जाता है। ये मामला चलता है हमारे मिंबर पे। अल्लाह हमें हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत के मुताबिक अमल बनाने की तौफीक अता फरमाए। हम में जो बीमार बैठे हैं अल्लाह मुस्तफाए कामिला दे। जो इस मस्जिद के बुजुर्ग फौत हो गए, इस मस्जिद के साथ तआवुन करने वाले, प्यार करने वाले, अल्लाह ताला उनका होना मकबूल बनाए। इस मस्जिद को मुआमरीन के लिए सदका जारिया बनाए। बहुत खूबसूरत मरकज है माशाल्लाह। मैं आपकी देख कर तादाद खुद हैरान हूँ कि इतनी जनाब माशाल्लाह रौनक बारौनक एरिया और इलाका है, उसमें से अल्लाह ने आपको तौफीक दी कि आप रब का कुरान सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला इस तरह सबको तौफीक दे कि मस्जिद में दो तीन मिनट जो है गुजारे अल्लाह की रजा के लिए, मस्जिद में कुरान पाक की तिलावत करें, मस्जिद में बच्चों के लिए जो है सामान लेकर आए, तआवुन करें, बच्चों के साथ प्यार करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे।